नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यमकेश्वर में लोकल उत्पादों के आउटलेट का शुभारंभ, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया शुभारंभ। लोकल फॉर वोकल, पीएम की कल्पना हो रही साकार। देहरादून में शहरी कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक, विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ली जानकारी। काशीपुर में पुरानी और जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने की मांग, नई बहुमंजिला इमारत बनाने की उठी मांग, जर्जर अवस्था में है पुरानी इमारतें। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में मना गढ़भोज, विद्यार्थियों के उत्तराखंड के व्यंजन के प्रस्तुत विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों से पौष्टिक भोजन करने की। ऋषिकेश में एनएसयूआई ने फूका राज्य सरकार का पुतला, छात्र संघ चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया, जल्द उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। अब रेटिंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव से जुड़ी हुई इस खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी का यानी धाकड़ धामी का जलवा दिखा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में दिखा धाकड़ धामी का जलवा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता में दिखा सीएम धामी का करिश्माई चेहरा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम धामी की जनभावनाओं और रोड शो ने दिखाया कमाल। सीएम धामी ने जहां जहां की कैंपेनिंग, वहां वहां खिला है कमल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीएम धामी की चुनावी सभाओं वाली सीटों पर अभी तक 99% जीत का प्रतिशत, शाम तक 100% हो सकता है स्ट्राइक रेट। सीएम धामी को स्टार प्रचारक के रूप में जनता करती है पसंद, चुनाव में कई राज्यों से स्टार प्रचारक के रूप में आती है सीएम धामी की भारी डिमांड। सीएम धामी को सुनने आते हैं हजारों लोग, जनता को सीएम पुष्कर सिंह धामी को जनता ने जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो है धाकड़ की संज्ञा दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में जो है एक तरीके से सीएम धामी का जलवा, धाकड़ धामी का जलवा देखने को मिला है। तो जनता ने ही धाकड़ की संज्ञा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने यमकेश्वर विधानसभा के चैलुसैण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लोकल उत्पादों के आउटलेट का शुभारंभ किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि क्षेत्रवासियों द्वारा प्रारंभ की गई इस प्रकार की पहल स्वागत योग्य है। ऐसे प्रयास दिखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन समाज पर इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। इन रचनात्मक प्रयोगों की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस छोटे से गांव चैलुसैण द्वारा अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं द्वारा ये पहल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। महिलाओं द्वारा आज स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आजीविका संवर्धन के लिए पहाड़ों की जैविक फसलों, औषधीय जड़ी बूटियों और कंदमूल फलों के उत्पादों को बनाकर के ब्रांडिंग करके आउटलेट के माध्यम से बाजार में उतरना ही लोकल फॉर वोकल की पीएम मोदी की कल्पना को साकार करता है। जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हमारा है, उसके माध्यम से महिलाओं के जो चीजें पैदा हुई हैं या बनाई गई हैं उनको किस तरह से मार्केट तक पहुंचाए, उसका यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं सभी को अफसरों को बधाई भी देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ये निर्णय किया कि जो बहनें बनाती हैं वो अब मार्केट तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमें उन्हें आर्थिक रूप से हम उन्हें मजबूत कर सकें। और उसका एक जीवंत आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है, जहां हमारी समूहों की बहनों के माध्यम से ये एक सुंदर सा आउटलेट यहां पर खुला है। इसका क्या नाम बोल रहे थे आप? फ्री के करके इसको यहां पर खोला। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की है। मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान यात्रा के बाद से शहीद हुए शहीदों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों के ब्लॉक प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ोतरी के लिए सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया है। कहा कि वीरता पदक धारकों को राज्य के परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा में शहीदों के परिजनों को भी समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
वर्तमान तक 30 पात्रों को परिवहन विभाग द्वारा बस पास जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीएम द्वारा राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान 50 लाख की घोषणा और शहीद द्वारों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्यों के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कचहरी परिसर में बनी पुरानी और जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारत बनाने की मांग काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा पुरजोर ढंग से उठाई गई है, जिसको लेकर के एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित करके अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि काशीपुर में मौजा जसपुर खुर्द में पिछले 112 वर्षों से अधिक समय से कचहरी परिसर है और जिसमें करीब 5 एकड़ भूमि का रकबा है। इस 5 एकड़ भूमि में करीब 100 वर्ष पूर्व से ही उपजिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय और आवास रहा है और इसी भूमि में डाक बंगला बना हुआ है और वर्तमान में सिविल न्यायालय की इमारत सामने की तरफ जो है बनने से पहले सिविल न्यायालय भी इसी इमारत में स्थापित था। वहीं वर्तमान समय में इस कचहरी परिसर में बनी पुरानी इमारतें जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी धराशायी हो सकती हैं, जिसको लेकर के हमने सरकार से कचहरी परिसर काशीपुर में बनी पुरानी और जर्जर सभी इमारतों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बना करके तहसील कार्यालय, चकबंदी कार्यालय, न्यायालय, उप निबंधक कार्यालय और कोषागार आदि एक ही परिसर में स्थापित करने की मांग की है। आज प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि काशीपुर तहसील जिसके शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, सरकार उसको किसी अन्यत्र जगह पर ले जाना चाह रही है और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की थी और जिलाधिकारी महोदय ने ये इस परिसर का पूरा घूम करके निरीक्षण भी किया था और वो सेटिस्फाई थे कि यहाँ पर पर्याप्त जमीन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तहसील आदि कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में गणभोज दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने उत्तराखंड के व्यंजन प्रस्तुत किए। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर नगेंद्र द्विवेदी ने जो है सभी विद्यार्थियों से पौष्टिक और विटामिन युक्त भोजन खाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जंक फूड को बीमारियों का कारण बताया है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड के भोजन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि स्वस्थ सेहत के साथ साथ उत्तराखंड के कृषि उत्पादों में तमाम रोजगार के अवसर विद्यमान हो सके। उन्होंने उत्तराखंड के व्यंजनों को समस्त मेलों, मिड डे मील व्यवस्था और सरकारी कैंटीनों में अनिवार्य करने की बात कही है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई है। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, एआई वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं, उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें।
किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र संघ चुनाव लेट होने पर एनएसयूआई भड़क गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर राज्य सरकार का पुतला फूंका है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को छात्र संघ चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए कैंपस में छात्र संघ चुनाव सही समय पर नहीं कराए जा रहे हैं। एनएसयूआई के महानगर अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने बताया कि दो कमेटी की सिफारिश के अनुसार नए सत्र के लिए विश्वविद्यालय खुलने के बाद 45 दिनों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने अनिवार्य होते हैं, जिसका पालन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस परिसर ऋषिकेश में नहीं हो रहा है। हिमांशु जाटव ने बताया कि यदि जल्दी छात्र संघ चुनाव को लेकर घोषणा नहीं की गई तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय कैंपस और प्रशासन की होगी। लक्सर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सुल्तानपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है एसएसपी के निर्देश पर सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने सुल्तानपुर में पैदल गश्त की है। इस दौरान पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर हंटर चलाया है, जिसमें 25 अतिक्रमणकारियों के पुलिस एक्ट में चालान किए हैं। इसी के साथ ही बिना नंबर प्लेट की 20 मोटरसाइकिलें भी सीज कर दी गई हैं। पुलिस ने क्षेत्र में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, वहीं संदिग्ध घूम रहे लोगों से भी पूछताछ की है। उधर मुनिकीरेती में नो एंट्री की मार झेल रहे ई ऑटो चालकों का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा। परेशान ई ऑटो चालकों ने एक बार फिर से जो है एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी और प्रदर्शन करने के बाद से जो है एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ई ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। जय बद्री विशाल ई ऑटो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2024 के बाद से उनके ई ऑटो को मुनिकीरेती में एंट्री नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब एम्स के बाहर सवारी उतारने और बैठाने को लेकर भी कुछ टेम्पो चालक उनके साथ बदसुलूकी मारपीट करने में लगे हैं, जिससे उनका दोहरा उत्पीड़न हो रहा है।
एम्स के बाहर शांति व्यवस्था भी भंग हो रही है। इस संबंध में पुलिस को भी जानकारी देकर अवगत कराया गया है। आज एसडीएम से ई ऑटो के लिए शहर में स्टैंड और रूट निर्धारित करने और मारपीट करने वाले टेम्पो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। यदि प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो अब मजबूरन कोर्ट जाने के लिए वो बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ के बजेठी निवासी दो युवतियां हादसे का शिकार हो गई। दरअसल देर शाम दोनों युवतियां जो है वो हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट में स्कूटी से अपने घर जा रही थी। अचानक एक मोड़ पर स्कूटी डिसबैलेंस हो गई, जिसके चलते दोनों युवतियां स्कूटी से छिटक कर गिर गई। एक युवती सड़क से लगभग 10 मीटर नीचे सरयू नदी में जा गिरी और वहीं उसके साथी झाड़ियों में फंस गई। सूचना मिलने पर पिथौरागढ़ पुलिस की थाना गंगोली हाट और अल्मोड़ा पुलिस की थाना दनिया टीम और एसडीआरएफ टीम ने जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के संयुक्त सर्च अभियान चलाया। झाड़ी में फंसी युवती को पुलिस ने सकुशल बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने और अंधेरा होने के कारण दूसरी युवती की खोज करने में पुलिस टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन युवती का कोई भी पता नहीं चल पाया। युवती के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है। पुलिस टीम के साथ साथ परिजनों द्वारा युवती की तलाश की जा रही है। और वहीं हल्द्वानी में रामलीला देखने गए दो भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। एक भाई ने तमंचे से दूसरे भाई को गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं रामलीला के दौरान गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। रामलीला का संचालन भी बीच में ही रोकना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके का मुआयना करने पहुंचे। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। रामलीला का एक कार्यक्रम चला था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर गोली चलाई गई। उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस से जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है, गोली मारने वाले की उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। संदर्भ में अभी कोई ऐसी कोई चीज खुल के नहीं आई है, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उसे पता लगता है कि किस आधार पर क्यों मौत हुई। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने नशीले इंजेक्शन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वो इंटरनेट मोबाइल कॉलिंग से जो है नशीले इंजेक्शन बेचने का धंधा करता है, जिससे कि पुलिस उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल ना निकाल सके और वो जो है पुलिस की गिरफ्त में से बचा रहे। पुलिस कप्तान ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल बाइक पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है। आरोपी का मोबाइल भी सील करके जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। आरोपी की पहचान तस्लीम निवासी रुद्रपुर के रूप में हुई है। और कोटद्वार में एक शातिर चोर ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर में रखा सामान चोरी कर वो फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है और चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया घर का सामान भी बरामद कर लिया। वहीं आपको बता दें कि जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने इस पूरे मामले में बताया कि कोटद्वार के कोतवाल रमेश तनवर टीम ने जो है उनकी टीम ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। आरोपी की पहचान सलमान निवासी कोटद्वार के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी कई बार आपराधिक वारदात करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है, जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जिले के सभी निवासियों से अपील की है कि वो अपने घरों के आसपास दिखाई देने वाले संदिग्धों की सूचना तत्काल पुलिस को दे, जिससे कि पुलिस चोरी जैसी वारदातों को वारदात होने से पहले ही रोक सके।
और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा चुनाव को लेकर के, जहां पर बीजेपी बहुमत के पार जाती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़ों को पार करते हुए दिख रही है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। हरियाणा में सुबह कांग्रेस 60 सीटों पर चल रही थी आगे, कुछ देर बाद ही जो है बीजेपी ने अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी। हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस की दिखाई गई थी सरकार। हरियाणा में रुझानों से नतीजे एग्जिट पोल के दिखाए गए थे विपरीत। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत के पार है। अंतिम परिणाम आने के बाद ही तस्वीर होगी साफ, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब तक के रुझानों के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी यहां पर जरूर दिख रही है। तो ये बड़ी जानकारी हरियाणा चुनाव के मद्देनजर आपको दे रहे हैं, जहां पर मतगणना सुबह से ही जारी है और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई अभी तक के रुझानों के हिसाब से दिख रही है। हालांकि अंतिम परिणाम आने का अभी भी इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा हुआ है देश में कि एग्जिट पोलों को झुठलाते हुए हरियाणा के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उलट दिख रहे हैं। जो आंकड़े कांग्रेस के लिए बताए गए थे वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी उन बहुमत के आंकड़ों को पार करती दिख रही है। तो पिछले पर चुनाव हुए थे 5 तारीख की अगर हम बात करें तो उसके बाद जब देर शाम 6 बजे के बाद जितने भी मीडिया चैनल हैं, जितने भी सबके एक ही कहें तो लगातार एक ही रुख था सबका कि कांग्रेस भारी बहुमत सरकार बन रही है। और वही हम देख रहे हैं कि जब काउंटिंग मतगणना यहां पर शुरू हुई सुबह सुबह, अगर हम 1.5 घंटे की बात करें तो लगातार 7 से 5 65 सीटें कांग्रेस की तरफ दिखाई जा रही थी, लेकिन उसके अगर हम कहें आधे पौने घंटे बाद एकदम अप्रत्याशित चीजें निकल के आई है। और वहीं आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 48 से 50 तक पहुंच गई है, जो कांग्रेस है वो 35-36 में जाकर अटक गई है। तो एक जो चीजें निकल के आ रही थी लगातार, और हम जैसे भी चर्चा हो रही थी लगभग हम 90% बात करें, लोग यही बता रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध है वहां पर 10 साल, अब वहां कहीं ना कहीं इंडिकेशन चल रही है लोग भाजपा के विरोध में हैं। कई चीजें बताई जा रही, चाहे पहलवानों का मुद्दा बताया था, किसानों का मुद्दा बताया था, अन्य कई चीजें बताई जा रही थी, लेकिन वो सारी चीजें जब अब जो स्थिति हम देख रहे हैं इस टाइम, तो वो सारी उलट नजर आ रही हैं। और कई अप्रत्याशित निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और लगातार यही बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहां पर सरकार बनाने जा रही है। अगर वही हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां थोड़ा जो अगर कहें तो जम्मू जो रीजन है वहां कहीं ना कहीं भाजपा को झटका लगा है। जो भाजपा सोच रही थी कि हमारी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन वहां जो निर्णय उनके मुताबिक नहीं आए और वहां एनसीपी कांग्रेस की सरकार जो है 50 से ऊपर जो दिखाया जा रहा है वहां सरकार बनती नहीं आ रही है। पर अगर हम कहें तो सबसे बड़ी बात हरियाणा की पे हम करनी पड़ेंगी, जहां पर बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी और लगातार जो मीडिया में जो लगातार निकल के आ रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका पड़ रहा है। जेएनके में भले ही सरकार बन रही है, लेकिन अगर हम वहां कहें वहां की जो सरकार बनेगी उसको सीमित पावर होगी, क्योंकि वहां पर एलजी के पास बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो वहां इतनी अगर हम कहें दिल्ली की अगर हम आते हैं, दिल्ली से भी ज्यादा एलजी के अधिकार जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं। तो वहां भले ही बहुमत बना लिया है, पर हरियाणा की बात करें जो लगातार चीजें निकल के आ रही है, इस बार वहां पर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किस या जो करिश्माई जादू या जो संयुक्त रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहां पर चुनाव लड़ा, या अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर भले ही कांग्रेस को फायदा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने का, लेकिन हरियाणा में ऐसा बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हरियाणा में जो सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है वो जननायक जनता पार्टी का दिख रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।